After tasting this Nankatai biscuit, the only reaction that came from me was, "Oh my my, ye to kamal ho gaya. Couldn't believe this was baked by me. In simple ingredients se and specially no maida se itne tasty biscuits. It's a must try recipe guys. So let's get started. Ek bade se mixing bowl mein hum lenge ghee and sugar. In donon ko acche se whisk kar lenge for around 5 minutes jab tak ki hum white na dekh paaye cream mein. Ab hum isme dalenge wheat flour and suji. Suji ko maine yahan pe dardara pees liya hai. In sab ko acche se mila lenge. फिर हम डालेंगे इसमें बेसन बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर इलायची पाउडर। अब हम आटे को अच्छे से मिलाते रहेंगे जब तक कि एक स्मूथ सा डो प्रिपेयर ना हो जाए। ये लगभग 3 से 4 मिनट लेगा। अब हम अपने नानकटाई बिस्किट्स को शेप देंगे। अगर आपके पास कुकी कटर हो तो आप कुकी कटर का इस्तेमाल कर सकते हो, वरना लेमन साइज डो ले उसे अच्छे से हाथ में रोल करे और हल्के हाथों से प्रेस करे। आप अगर चाहो तो किसी भी कप का इस्तेमाल कर सकते हो राउंड बॉल्स बनाने के लिए। इसी तरह हम सारे नानकटाई बिस्किट्स को शेप दे देंगे। और अब हम लेंगे एक बेकिंग ट्रे, या अगर आपके पास कोई टिन हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें लगाए बटर पेपर एंड कुकीज को थोड़े डिस्टेंस में प्लेस कर देंगे। कुकीज को पिस्ता से गार्निश करें और प्री हीटेड कढ़ाई में 25 to 30 मिनट्स के लिए लो मीडियम फ्लेम में कुक होने देंगे। वंस डन हम हमारे कुकी को उठा के नीचे से बेस चेक करेंगे वेदर इट इज कुक्ड और नो। इसे ठंडा होने दे और यम्मी डिलीशियस बिस्किट्स को एंजॉय करे। डिटेल्ड रेसिपी इज इन द कैप्शन बिलो।